सकारात्मक सोच जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सूर्य के प्रकाश के क्या है चमत्कारी प्रयोग, आज पंडित जी से समझेंगे। साथ ही जानेंगे आज हरियाली अमावस्या है, तो हरियाली अमावस्या के दिन आप क्या विशेष प्रयोग करें, कैसे लाभ उठाएं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 4 अगस्त 2024, दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 4:42 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 1:26 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे सूर्य के प्रकाश के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। पंडित जी, भगवान सूर्य का प्रकाश हम सबको चाहिए जीवन जीने के लिए, इसका महत्व क्या है, इसकी खास बातें क्या है? जितना महत्वपूर्ण सूर्य है उतना ही महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? विज्ञान और ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश इस धरती पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, एक प्रमुख आधार है। ये सूर्य का प्रकाश बहुत प्रभावशाली और जीवनदायी है। इस प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। ये जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं, ये कुछ मामलों में लाभदायक होती हैं और कुछ मामलों में हानिकारक होती हैं। सूर्य के प्रकाश का अगर आप सही प्रयोग जानें, तो आप अपने मन और अपने शरीर दोनों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से मरते हुए व्यक्ति को प्राण दिया जा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर किया जा सकता है। वाराणसी के एक महान संत स्वामी विशुद्धानंद ने सूर्य का एक यंत्र बनाया था और उस यंत्र से वो प्राण भी लोगों को दे सकते थे, सूर्य के प्रकाश का मैक्सिमम प्रयोग कर सकते थे। तो सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमें सूर्य के प्रकाश का सही प्रयोग करना चाहिए। अब वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें,
यात्रा में आज सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम बात कर रहे हैं कैसे सूर्य के प्रकाश का विशेष प्रयोग करके आप जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सूर्य के प्रकाश का कैसे प्रयोग करना चाहिए? देखिए, सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश से अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें? देखिए, सूर्य जब नवोदित हो यानी तुरंत तुरंत उदित हुआ हो, सूर्य के अंदर लालिमा हो, तब सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक रहिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में रहना बहुत अच्छा होता है। सूर्य की रोशनी में अगर आप रोज सुबह 5 मिनट 10 मिनट बैठें, यानी सूर्य की रोशनी में नियमित स्नान करें, तो टीबी और कैंसर जैसी समस्याओं में अद्भुत लाभ होता है। सूर्य की रोशनी से त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं। जिन लोगों को त्वचा की समस्या है, अगर वो उगते हुए सूर्य की रोशनी में शरीर के प्रभावित स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़ने दें और सूर्य की रोशनी में बैठें, तो त्वचा की समस्या दूर होगी। जिन घरों में सूर्य की रोशनी थोड़ी ही सही लेकिन अगर आती है तो वहां रहने वाले लोग ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा आनंद में रहते हैं। ऐसे घरों में, जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे घरों में कलह कलेश की संभावना नहीं रहती। और जिन लोगों को डिप्रेशन है या जो लोग अवसाद में रहते हैं, ऐसे लोगों को सूर्य की रोशनी वाले घर में या सूर्य की रोशनी वाले स्थान पर रहना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको डिप्रेशन है, अवसाद है, मानसिक तनाव है और आप ऐसे घर में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता,
तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आपकी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आगे ऐसा क्यों देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें पंडित जी बताते हैं दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में शास्त्र क्या कहता है, और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूले, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न सपना जी ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखती हैं। 4 फरवरी 1989 का जन्म है, 5 बजे सवेरे, खतौली मुजफ्फरनगर। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफी लंबे समय से अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, क्या उपाय करूं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर रहे? सपना जी, आपकी कुंडली के अनुसार अभी थोड़ा समय लगेगा आपके स्वास्थ्य को बहतर होने में। अप्रैल 2025 तक अभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
एक तो खान पान को अपने सात्विक रखें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सूर्य की रोशनी हम सबके जीवन में उजाला फैलाती है, हम सबको बहुत लाभ प्रदान करती है। पंडित जी, सूर्य की रोशनी से कैसे लाभ उठाएं? अब जानते हैं कि अगर सूर्य की रोशनी से हमें फायदा उठाना हो तो हम कैसे फायदा उठाएं ताकि पूरा पूरा लाभ हो। प्रातः काल उगते हुए सूर्य के साथ उसकी रोशनी में टहलिए या सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठिए। जो हम कहते हैं कि रोज सुबह आप सूर्य को जल चढ़ाइए, वो इसीलिए कहते हैं कि सूर्य की रोशनी आपके शरीर को मिले। सूर्य की रोशनी में एक बाल्टी पानी रख दीजिए, एक घंटे तक सूर्य की रोशनी में वो पानी रहने दीजिए और बाद में इस जल से स्नान करिए। रसोई घर में आप मिरर लगा के, खिड़की निकाल के, जैसे भी हो ऐसी व्यवस्था करें कि आपके रसोई घर में सूर्य का प्रकाश जरूर आए। रसोई घर में अगर सूर्य का प्रकाश आएगा, घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो तो इसकी व्यवस्था करें, मिरर लगा के, खिड़की निकाल के, एंगल बदल के, जैसे भी संभव हो ऐसी व्यवस्था करें कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। या कम से कम घर ऐसा हो जिसमें दिन में दिन का उजाला तो आए, ऐसा ना हो कि दिन के समय में भी घर में काम करने के लिए बल्ब जलाना पड़ रहा है, लाइट यूज करनी पड़ रही है, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश, जहां दिन का उजाला आ सके, तभी आप स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हरियाली अमावस्या भी है, पंडित जी हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है? देखिए, सावन महीने की अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। श्रावण मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या कही जाती है। चूंकि सावन में चारों तरफ वातावरण में हरियाली होती है और ये अमावस्या की तिथि है, इसी वजह से इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दान करना, ध्यान करना और स्नान करना, इसका विशेष महत्व है। और हरियाली अमावस्या पर अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या पर पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि पाई जा सकती है। यानी आज हरियाली अमावस्या है तो आज आप पौधे लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, विशेष पूजा कर सकते हैं और उससे आपको जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। हरियाली अमावस्या का महत्व तो हमने समझ लिया, पंडित जी हरियाली अमावस्या के दिन कौन से नियमों का विशेष पालन करना चाहिए? अब आज हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या पर क्या जरूर करें, क्या सावधानी रखें? देखिए, आज आपको जब भी समय मिल जाए शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर चढ़ाइएगा। 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र या 9 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइएगा। कोई न कोई पौधा आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर जरूर लगा दीजिएगा। और आज थोड़ा समय निकाल कर भगवान शिव की पूजा करिएगा, अन्न का और जल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। और अमावस्या की तिथि है, पितरों की तिथि है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले इसीलिए आज शिव मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। और आज के दिन पशुओं को चारा खिलाना, गाय को भैंस को चारा खिलाना बहुत अच्छा होता है, इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। तो आज हरियाली अमावस्या पर शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए और हरियाली अमावस्या के अवसर पर आज कोई ना कोई एक पौधा, बेलपत्र का, बरगद का, पीपल का, जिसका भी संभव हो एक पौधा जरूर लगाइएगा। हरियाली अमावस्या पर अपने पितरों की शांति के लिए पंडित जी हमें क्या विशेष उपाय करना चाहिए? देखिए, हरियाली अमावस्या वैसे तो सावन की अमावस्या है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि होती है, तो अगर अमावस्या तिथि पर आप सफेद चीज का दान करें, सफेद वस्त्र का, सफेद मिठाई का, खीर का, चावल का, ये अगर आप दान करें तो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। और साथ ही साथ जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि हरियाली अमावस्या पर पीपल का, बरगद का, बेलपत्र का एक पौधा जरूर लगाएं, इससे भी आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का।
पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भगवान सूर्य को जल दें तो पैर में पानी के छींटे ना पड़े तो अच्छा रहेगा, ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं और जल अर्पित करने के बाद पानी के छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इसके परिणाम अशुभ होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और पानी के छींटे आपके पैरों पर पड़ेंगे तो अशुभ होगा, आपको पाप लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब आप जल अर्पित करें तो अपने सामने एक बाल्टी रख लें और पानी इस तरह से अर्पित करें कि पानी बाल्टी में एकत्र हो जाए और बाद में उस पानी को पौधों में डाल दें। लेकिन अगर गलती से जाने अनजाने आपके पैरों में पानी का छींटा पड़ जाता है तो ये कोई पाप नहीं है, इसका कोई ऐसा बुरा और अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की दशा में आपके सुधार होगा, आपकी तमाम जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में आपके लाभ होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा।
नंबर 6, धार्मिक कार्य में आपकी व्यस्तता रहेगी। नंबर 7, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 8, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न पायल कियाल ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। 15 सितंबर 1980 का जन्म है, 9:53 सवेरे कोलकाता। ये कह रही हैं कि मुझे लंबे समय से मानसिक तनाव की दिक्कत है, लंबे समय से मुझे डिप्रेशन हो रहा है और मानसिक तनाव और डिप्रेशन मुझे परेशान कर रहा है। मैं बीमारी से परेशान हो गई हूं और मन मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा है। पायल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जो मन स्थिति है, जो मन की हालत है, वो आने वाले समय में ठीक रहेगी और आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगी। किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सबसे पहले आप संपर्क करें, उसकी आपको सख्त आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खा करके घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गेहूं के दाने खा करके घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना हो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई खरीदारी करनी है, वाहन, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा
कर्क राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।